हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज बात करेंगे खूबसूरत फूलों वाले पौधे कुंदा के बारे में। अलग अलग जगहों में इस फूल को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये एक परमानेंट प्लांट है और इस प्लांट में हम ढेरों फूल कैसे पा सकते हैं, इसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन्हीं बातों को आज के इस वीडियो में देखेंगे। वैसे तो इस पौधे में साल भर फूल आते ही रहते हैं, लेकिन सितंबर अक्टूबर से लेकर फरवरी मार्च के महीने तक इस पौधे में फूलों की भरमार रहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस पौधे को कौन से साइज़ के पॉट में लगाना चाहिए। ये पौधा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे ये फैलता है, और जितना ये पौधा फैलने लगता है उसमें फूल भी उतना ही अधिक होता है। इसलिए अगर ज़्यादा मात्रा में फूल चाहिए तो पॉट साइज़ बड़ा लेना होगा। 12 से 14 इंच का पॉट परफेक्ट होता है इस प्लांट के लिए। बात करें इसके लिए मिट्टी की, तो मिट्टी एकदम भुरभुरी होनी चाहिए, यानी कि वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। मिट्टी अगर भुरभुरी होगी तो पानी गमले में नहीं जमेगा और इससे जड़ों में फंगस वगैरह नहीं लगेगा। इसकी मिट्टी तैयार करने के लिए एक भाग गार्डन सॉइल, एक भाग कंपोस्ट और एक भाग रेत मिला लें। रेत की मात्रा आप अपने जगह के मिट्टी के अनुसार ही लें। अगर आपके वहाँ की मिट्टी रेतीली है तो रेत की मात्रा कम कर दें। कंपोस्ट में आप कोई भी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, काउडंग कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट जो आपके पास है आप उसका इस्तेमाल करें। मिट्टी बनाते समय मिट्टी के साथ थोड़ी सी नीम की खली, थोड़ी सी सरसों की खली और थोड़ा सा बोन मील भी जरूर मिलाएं। इस तरह से तैयार मिट्टी में पौधा तेजी से बढ़ेगा। इस पौधे को धूप काफ़ी पसंद है, इसलिए पौधे में अगर ज़्यादा मात्रा में फूल चाहिए तो पौधे को ऐसी जगह रखें जहाँ इसे कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप मिले। ज़्यादा फूल पाने के लिए एक बात का और ध्यान रखें कि जैसे ही पौधे में एक बार फूल खिल जाते हैं और खिलने के बाद जब झड़ के गिर जाते हैं तो उसके बाद फूलों की डालियों की हल्की हल्की ट्रिमिंग कर दें। इससे पौधे में और भी नए नए ब्रांचेज आते रहेंगे और इसमें जितने ज़्यादा ब्रांचेज रहेंगे उतने ही ज़्यादा इसमें फूल आएंगे। आप देख सकते हैं इसके हर एक डाली में ढेरों फूल आए हुए हैं। और अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइजर्स की। इस पौधे से अगर ज़्यादा मात्रा में फूल पाना है तो रेगुलर इंटरवल्स में इसमें फर्टिलाइजर्स ऐड करना ज़रूरी हो जाता है। इस पौधे में सॉलिड फर्टिलाइजर्स के साथ साथ कुछ लिक्विड फर्टिलाइजर्स भी ज़रूर दें। सॉलिड फर्टिलाइज़र के तौर पर महीने दो महीने में इसमें काउडंग कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट की 1 या 2 मुट्ठी ज़रूर दें। लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पर इसमें सरसों की खली से बनी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, या फिर केलों के छिलकों से बने लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं, या फिर सब्जियों के छिलकों से बने हुए लिक्विड फर्टिलाइज़र का भी यूज़ कर सकते हैं। इन फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करना भी काफ़ी आसान होता है। केले के छिलकों और सब्जियों के छिलकों को छोटे छोटे टुकड़े में काट लें और फिर उन्हें पानी में डालकर 3 से 4 दिनों के लिए छोड़ दें। 3 से 4 दिनों के बाद उस पानी को छान ले और फिर उस पानी को फर्टिलाइज़र के तरह यूज़ कर सकते हैं। सरसों की खली से लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, आप चाहें तो वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। आप चाहें तो इन तीनों ही लिक्विड फर्टिलाइज़र को बदल बदल कर दे सकते हैं। कभी केलों के छिलकों से बनी ही लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, तो कभी सरसों की खली से बने लिक्विड फर्टिलाइज़र, तो कभी आप सब्जियों के छिलकों से बनी हुई लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हर 15 दिनों के अंतराल में करना है। बारिश के मौसम में इन लिक्विड फर्टिलाइज़रों का इस्तेमाल कम करें। इस पौधे को नमी युक्त मिट्टी पसंद है, लेकिन गीली मिट्टी पसंद नहीं है, इसलिए पौधे में ओवर वाटरिंग ना करें, पानी की मात्रा में नियंत्रण रखें। जब मिट्टी की ऊपरी परत सूखने लगे तभी इसमें पानी दें। गर्मियों में पानी सुबह शाम जरूर दें। बात करें कीड़े मकोड़े की, तो मैंने तो अभी तक अपने इस पौधे में किसी भी प्रकार के कीड़े मकोड़े नहीं देखे हैं जो कि पौधे को हानि पहुंचाए,
लेकिन फिर भी सावधानी के तौर पर इसमें हर 15 दिनों के अंतराल में नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं। वैसे इसके फूल इतने सुंदर और आकर्षक होते हैं कि तितलियों और बिटल्स को इसके आसपास हमेशा मंडराते हुए ज़रूर देख सकेंगे। तो ये कुछ ज़रूरी बातों का अगर ध्यान में रखा जाए तो आप भी अपने कुंदा के पौधे में इतने सारे फूल पा सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।